कोरोना महामारी से बचाने के लिए चलाए गए टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने के बाद देश ने इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित किया है। ये पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा संदेश भी है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दी है। उसी क्रम में धनबाद सदर कोरोना फाइटर को धनबाद विधायक ने सम्मानित किया। ऋतुराज ऋतुराज अमित कुमार दास सर इधर एक बार डॉक्टर मासूम आलम सर सही डॉक्टरों की टीम ने पूरे जिले में टीकाकरण अभियान और पूरा सर साल में डॉक्टर विकास है सर। दूसरी ओर धनबाद में एक साथ 6 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है और लोगों को सावधानी बरतने की अपील धनबाद एसडीओ डॉक्टर राजकुमार सिंह ने कहा है। इसमें से भी हमको जहां तक अभी पता चला है कि इसमें से ऐसे कंफर्म नहीं है जो कि बाहर से ही आए। मैक्सिमम हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आए हैं वो बाहर के ही पेशेंट हैं। हमारे अपना मतलब इंटरनल कोई भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई पेशेंट नहीं जो भी आ रहे हैं वो बाहर से ही कहीं ना कहीं से। आप लोग हमेशा फोकस करके हमने ये देखना है कि जो बाहर से आते हैं उनको तगड़ा सर्विलांस करके उनका और टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं। जो दो लोग आए थे वो लोग पेशेंट जो कलकत्ता रोड से धनबाद आ रहे थे और वो हमारे बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान ही पता चला कि वो पहुँचे तो उनको हम लोग तो हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो मैक्सिमम बाहर से ही आ रहे हैं। अपने आप में अभी अलर्ट रहना होगा कि जहाँ भी जो थोड़ा भी सर्दी खाती होगा तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए और जो बिहेवियर है कोविड आज जो 6 मिले हैं तो ये किन किन जगहों पर है उनका लोकेशन अभी मैंने बताया कि रिपोर्ट ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है। इनका एड्रेस भी हम लोग को नहीं मिला। जैसे ही आएगा सामने सारा का सारा मीडिया मैंने पुष्टि हो चुकी है अभी अनऑफिशियली ही आया है कि सर एक दिन में आगे की तैयारी हम लोग की तैयारी अभी भी उसी तरीके से जैसे पीछे एकदम तैयार है। हम लोग हर मुस्तैद हैं और किसी भी तरह की विपत्ति से निपटने के लिए भी टाइम हम लोग लगा धनबाद में कोरोना फाइटर को सम्मानित करने को लेकर धनबाद सदर अस्पताल में सुबह से तैयारी की गई थी। दोपहर 3 बजे धनबाद विधायक ने सभी कोरोना काल में के समय में मरीजों की सेवा करने को लेकर पारा मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स नर्स सहित एम्बुलेंस चालक को धनबाद विधायक ने शॉल और फूल देकर सम्मानित किया। देश 100 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है। करीब 2 सालों में 100 करोड़ वैक्सीन का डोज दे दिया गया है। उन्होंने टीकाकरण का तो अचीव किया है। 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया है और इसके लिए यह तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक ये कोरोना वायरस का योगदान नहीं होता। और इतने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सब लोगों ने जी जान से अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस कार्य को किया है। दिन रात लोग लग करके इस टारगेट को 9 महीने के अंदर वैक्सीन का निर्माण करा लेना और 1.5 साल के अंदर 100 करोड़ की ये लक्ष्य पार कर लिया देश ने और अकेला देश है विश्व में जो अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दे रहा है मुफ्त में और इतने लोगों को वैक्सीन दे दिया। इसलिए आज हम लोग यहाँ आकर के सदर अस्पताल में सेंटर पे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ जो नर्सेज हैं सब लोगों को हमने सम्मान किया है। उनको उनके प्रति दिल से हमने आभार व्यक्त किया है उनका अभिनंदन किया है और जिस प्रकार से मानवता की सेवा के लिए वे कार्य कर रहे हैं उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उसके साथ साथ सभी कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन्होंने देश को नेतृत्व किया जिन्होंने सिस्टम को डेवलप किया फ्रीजर से लेकर के सिरिंज से लेकर के कॉटन डस्टबिन साथ में दवा
सब जगह कैसे पहुंच जाए, सब जगह अच्छे तरीके से लोगों को वैक्सीन लग जाए, लोगों को प्रेरित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। वैक्सीन के प्रति जो कोरोना वॉरियर्स है उनका रुझान, उनका योगदान कभी देश भूल नहीं सकता। और इसलिए ये केवल अपनी नहीं, ये मानवता की सेवा ये लोग कर रहे हैं, और इसके आज हम लोगों ने दिल से इनका अभिनंदन किया, इनका अभिवादन किया। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067।